हाँ तो गाइस फिर से आ गए हम आप लोग के बीच बहुत ही स्पेशल फोटो एडिटिंग लेके। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर, तो इस फोटो को पिक्सार्ट एप्लीकेशन से एडिट करने का तरीका बताने वाले हैं आज, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो एकदम अच्छे तरह से समझ जाइएगा। तो मेरे भाई इस फोटो एडिटिंग में हमने ये सब बताया है कि आप लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीका से, और साथ ही साथ विंग का PNG कैसे एड कर सकते हो, और ऊपर लिखा हुआ है I am the devil, ये कैसे लिखोगे एकदम आसान तरीका से मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो अगर आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना। और मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग सब लेके आता रहता हूं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई इस फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे रहा पिक्सार्ट एप्लीकेशन, तो इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद अपना फोटो जो फोटो को एडिट करनी हो उस फोटो को पिक्सार्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से जो बैकग्राउंड है हमारा, जैसा कि ये बैकग्राउंड देख सकते हो यहाँ पे, ये बैकग्राउंड पर हम फोटो एडिट करने वाले, तो सिंपली इस बैकग्राउंड को ले लेंगे। और ये बैकग्राउंड आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कितना पे रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ओपासिटी को कम करके देखना है, ठीक, सिर्फ कम करके देखना है कितना पे एडजस्ट करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से पहले रखते हैं, इतना पे रख देंगे, और इतना पे रखने के बाद यहाँ पे ओपासिटी को हम फिर से 100 कर देंगे, ठीक है भाई। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से बैकग्राउंड को रख के 100 कर दिए, और इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जैसे कि देख सकते हो यहाँ इनवर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इनवर्ट पर क्लिक कर देंगे। और इनवर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को रिस्टोर वाले ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, और हार्डनेस को कर देना है 100, और साइज को कर देना है +15%, मतलब 15%, ठीक है भाई। उसके बाद फोटो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग जूम कर दीजिएगा, और जूम करने के बाद बैकग्राउंड को आप लोग को कट करना है, मतलब इरेज करना है बैकग्राउंड को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कैसे इरेज करना है तो देख सकते हो, कुछ इस तरह से फिंगर को घिसते हुए आप लोग इरेज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इरेज करते ही हमारा जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है, ठीक है। तो अपना जो मॉडल होगा उस पर इरेज नहीं करना है आप लोग को, और मॉडल को एकदम अच्छे साइड साइड से एकदम अच्छे से इरेज कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हो एकदम बारीकी बारीकी एकदम प्यार प्यार से आप लोग कीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए मैं कैसे इरेज करता हूँ, उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो मेरे भाई बैकग्राउंड इरेज करने में आप लोग का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और यहाँ पे देख सकते हो जो मतलब बैकग्राउंड इरेज करने के बाद यहाँ पे जो लाइनिंग सा आ गया है बैकग्राउंड को, तो इसको हम कैसे मिलाएंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग को इरेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और हार्डनेस को कर देंगे कुछ इस तरह से 1% पूरा माइनस कर देंगे, और ओपासिटी को कर देंगे +50 या फिर 51 के राउंड, और साइज को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे 80% तक, ठीक है भाई। उसके बाद फोटो को हल्का जूम आउट करना है, और जूम आउट करने के बाद कुछ इस तरह से इरेज करेंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे लाइनिंग पता नहीं चलेगा, और जो हमारा मॉडल का बैकग्राउंड होगा और ऐड किए वो बैकग्राउंड होगा एकदम अच्छे तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड डुप्लीकेट ऐड किया गया है, ठीक है भाई। तो ये करने के बाद आप लोग को सिंपली डन कर देना है, तो यहाँ से डन कर देंगे, और डन करने के बाद आप लोग को फिर से डन करना है, तो बैकग्राउंड पे हमारा मॉडल सेव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बिफोर और आफ्टर, तो इस तरह का फोटो भी आप लोग कहीं अपलोड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे रंग मचाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन मिल जाता है, तो टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, और टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। और एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट को कुछ इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, जैसे कि +28%, और क्लियरिटी को कर दीजिएगा +11 या फिर 13, अपने फोटो के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाना है, तो इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे कि प्लस इसको कर देते हैं माइनस थोड़ा, ठीक है भाई। तो -7 कर दिया, अपने फोटो के अकॉर्डिंग ये सब करना है। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद देख सकते हो बिफोर और फोटो, अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है जो कि आप लोग वीडियो को एकदम अच्छे तरह से बिना स्किप किए देखे, तो मेन काम जो अभी बाकी है वो एकदम अच्छे तरह से समझ जाइएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फिर से आप लोग को ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से जो विंग
का पीएनजी है वो मैंने कैसे ऐड करता हूँ आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो विंग का पीएनजी यहाँ पे ले लेंगे और कुछ इस तरह से रखेंगे, और इसको रखने के बाद जैसे कि इसको साइज को थोड़ा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद आप लोग को एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लेना है कैसे रखना है बैकग्राउंड में। तो इसको हम कुछ इस तरह से रख दिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितना पे अच्छा लगता है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो छोटा करने के बाद कुछ इस तरह से रख लेंगे, और इस तरह से रखने के बाद इरेज वाला ऑप्शन कोने में मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो इरेज वाले ऑप्शन, तो सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है भाई। तो इन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो वो पीएनजी भाग जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है, और हार्डनेस को कर देना है 100, और साइज को कुछ इस तरह से 36% कर लेंगे, ठीक है भाई। तो साइज को इतना पे रखने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से अप्लाई कीजिएगा अपने बैकग्राउंड पे, तो वो जो पंख रहेगा यानी विंग, तो वो वापस आएगा, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने बॉडी पे, इसको अप्लाई नहीं करना है अपना जो जैसे कि ये बाह है, तो इसके पीछे से अप्लाई करेंगे तो वो पंख सब वापस आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है ये विंग, ठीक है भाई। तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो इस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा तो विंग का पीएनजी होगा वो हमारा एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर से आप लोग को डन करना है। तो यहाँ पे विंग लगाने के बाद फोटो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। उसके बाद आप लोग को फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सबसे पहले लाइट का पीएनजी एड करेंगे, उसके बाद डेबल का पीएनजी, ठीक है भाई। तो लाइट और डेबल का पीएनजी दोनों हम एक ही बार में ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे डेबल का पीएनजी का सबसे पहले थोड़ा बड़ा करके इस साइड में मतलब ऐसे ही रख देते, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे लाइट का पीएनजी इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, और लाइट का पीएनजी बड़ा करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसको स्किन कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो स्किन करने से ब्लैक हट जाएगा, सिर्फ लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो लाइट को कुछ इस तरह से अपने फोटो के अकॉर्डिंग कहीं पे कोने में रख दीजिएगा, ठीक है। तो कोने पे इस तरह से रख दीजिएगा तो फोटो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और ओरिजिनल टाइप का लगेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड मतलब डुप्लीकेट नहीं लगेगा। उसके बाद डेविल पीएनजी को कुछ इस तरह से इधर लाना है, और यहाँ पे एकदम बीच में एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे आई एम द डेविल कितना अच्छा लग रहा है। तो अपने सर के ऊपर एकदम बीच में करके इसको एकदम अच्छे से रख के अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब इसको एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे एकदम अच्छे से मैंने एडजस्ट कर दिया है, और एडजस्ट करने के बाद देख सकते हो फोटो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, और देख सकते हो नीचे से ऊपर तक ये पता नहीं चल रहा है कि डुप्लीकेट फोटो टाइप का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोग को सिंपली डन कर देना है, तो डन करने के बाद पीएनजी सब बैग फोटो पे सेव हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देख सकते हो बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर देख सकते हो फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल का बहुत ही खूबसूरत एडिटिंग हो चुका है। उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो फोटो हमारा एकदम अच्छे क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी ये फोटो एडिटिंग, और इस तरह का फोटो एडिट करना इतना आसान बात था तो आप लोग एकदम अच्छे तरह से समझ ही गए। और यदि आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो सिंपली मेरे भाई कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई करके बता दूंगा। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।